Hello students, myself Rakesh Mishra. In this video lecture, I am going to discuss about Mendelian inheritance. In previous video lecture, you have seen the common and basic properties of genetics. This is all about matter of class 10 subject biology. So let back in online class and see whatever the characteristics of Mendelian inheritance. So your heading will be Mendelian inheritance. Mendelian inheritance. So let's talk about why it called Mendelian inheritance. The theory given by Gregor John Mendel was called as Mendelian inheritance. ठीक है, जैसे मान लो सपोज दैट कोई आदमी हो राघव, वो क्या किया कि कोई थियरी दे दिया तो बोलेंगे राघवेनियन इनहेरिटेंस. वैसे मेंडल नाम था तो मेंडल के नाम पे ही मेंडल की थियरी को बोला जाता है मेंडेलियन इनहेरिटेंस. ठीक है, तो इसको सबसे पहले पूछता है गिवन बाई हू गेव द मेंडेलियन इनहेरिटेंस. गिवन बाई ग्रेगर जॉन मेंडल. ग्रेगर जॉन मेंडल किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल. ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बता दें. 1822 टू 1884 मींस 1822 में पैदा हुए, 1884 में इनकी कहानी खत्म हो गई. अब इनके बारे में एक बढ़िया स्टोरी आपको बता रहा हूं. लिसन, ग्रेगर जॉन मेंडल वाज नॉट साइंटिस्ट. दिस शुड बी इन योर माइंड. ग्रेगर जॉन मेंडल जो मेंडल की थियरी दिए थे, अभी मैं डोमिनेंट बता रहा था, रिसेसिव बता रहा था, ठीक है, सारी चीजें वो वही दिए थे. जीन की डिस्कवरी भी यही बोले थे, यही किए थे. ठीक है, लेकिन मेंडल साइंटिस्ट नहीं थे. मेंडल पढ़े लिखे तो थे लेकिन साइंटिस्ट नहीं थे. वो थे क्या? मेंडल वॉज फादर. फादर को मॉन्क भी बोलते हैं, मॉन्क ऑफ अ चर्च. एक चर्च के फादर थे. हमारे यहां होते तो कोई थियरी नहीं मानता. नहीं, मंदिर के पुजारी थे और मुस्लिम नहीं मानेंगे. मस्जिद के क्या बोलते हैं, कुछ बोलते ही होंगे. ठीक है, मौलाना होंगे, मस्जिद के मौलाना होंगे तो हिंदू लोग नहीं मानते. लेकिन ये चर्च में रहते हुए सारा एक्सपेरिमेंट किए और जीन की डिस्कवरी कर दिए. ही वॉज फादर ऑफ मंक. दिस शुड बी इन माइंड. ही वॉज फादर ऑफ अ चर्च. चर्च में कहां पे थे ये? उस समय एक कंट्री थी ऑस्ट्रिया, वहां का एक बहुत पॉपुलर शहर था ब्रून. वहां पे थे एक चर्च में ये फादर. कहां पे थे? ब्रून सिटी. ब्रून सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया. इसको आजकल चेकोस्लोवाकिया बोला जाता है. क्या बोला जाता है? चेकोस्लोवाकिया. बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यही याद रखना है कि मेंडल कहां के रहने वाले थे और वो बेसिकली जो है क्या थे. साइंटिस्ट नहीं थे. दिस शुड बी इन योर माइंड. ठीक है, चलो. सो मेंडल वाज नॉट साइंटिस्ट. दैट वाज अ मॉन्क ऑफ अ फादर, मॉन्क ऑफ अ चर्च. कौन से चर्च पे थे? ब्रून सिटी. शहर का नाम सिटी ब्रून था और जगह का नाम, कंट्री का नाम था ऑस्ट्रिया, और आजकल उसका नाम पड़ गया चेकोस्लोवाकिया. स्पेलिंग देखना, सी जेड से शुरू होता है. ठीक है, चेकोस्लोवाकिया. अब आते हैं मेंडल की पॉपुलर बुक जिसमें उनकी हिस्ट्री छुपी हुई है. ठीक है, मेंडल ने एक बुक लिखा था, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून. नोट कर लो कॉपी में, बुक रिटन बाय मेंडल. एनुअल, बहुत लंबा बुक जाएगा. एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून. ये बहुत पॉपुलर बुक है और कंपटीशन में पूछता रहता है. ठीक है, तो ये उनके बुक का नाम है. 1822 टू 1884 उनकी लाइफ हिस्ट्री थी. ठीक है, यहां तक पूरी कहानी खत्म हो जाती है. इसके बाद मेंडल कौन थे, मेंडल कहां गए, कोई नहीं जानता था. ठीक है, एटलीस्ट 34 इयर्स तक तो मेंडल के बारे में कोई नहीं. 1866 तक इनका काम चला. इनका जो वर्क था वो कब से कब तक चला? अप टू
1866, ये अपना काम 1866 तक ही किए, इसके बाद अपना काम ये रोक दिए, ठीक है, यहीं तक अपना काम किए 1866 तक, उसके बाद ये अपना काम रोक दिए, ठीक है, 1866 के बाद ये काम हम करना बंद कर दिए, लेकिन इनकी थियरी 1866 तक रेडी थी। 44 ईयर तक कोई नहीं जानता था मेंडल कौन है, कहाँ के थे, केवल ब्रून वाले जानते थे, ब्रून के लोग, आसपास के लोकल लोग जानते थे। रीजन ये था कि उस समय कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं था। कब का ईयर है 1866, ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, ना ट्विटर था, कुछ नहीं था, ठीक है, ना मोबाइल था किसी के पास, इसलिए कोई नहीं जानता था कि मेंडल कौन है। इसके बाद 1900 में, ठीक है, 1900 में तीन साइंटिस्ट थे, कौन कौन, नाम लिख दे रहे हैं, तीनों मिल करके मेंडल की थियरी को पब्लिकली एक्सपोज कर दिए और लोगों को बताया मेंडल भी थे, उनका काम बहुत बड़ा था, ग्रेट था। कौन कौन साइंटिस्ट थे ये नोट कर लो कॉपी में, थ्री साइंटिस्ट इन 1900, कार्ल कोरेंस, वॉन टीएस चेरमॉक, ध्यान से लिखना है, वॉन टीएस चेरमॉक, नाम देखो, वॉन अलग है और ये पूरा एक ही में, इसको चेरमॉक बोलते हैं, वॉन टीएस चेरमॉक एंड ह्यूगो डी वरीज, तीन साइंटिस्ट, ह्यूगो डी, ये स्मॉल लेटर में डीईडी, वरीज, ह्यूगो डी वरीज, तीन साइंटिस्ट मिलकर के क्या किए, मेंडल की थियरी को एक्सपोज किया, मेंडल की थियरी को लोगों को बताया, एक्सप्लेन किया। तो तुमको बस यही लिखना है, इन 20th सेंचुरी, देखो 1900 से 1999 तक की सेंचुरी को बोलते 20th सेंचुरी, अब 2000 से लेकर के 2099 तक की सेंचुरी को क्या बोलेंगे, 21st सेंचुरी, हम लोग 21st सेंचुरी में, तो ये 1900 में एक्सपोज हुए, इसलिए हम बोलेंगे 20th सेंचुरी, बट 100 की बात करेंगे तो 1900, ये 20th सेंचुरी की बात है, ठीक है। तो लिखेंगे इन 20th सेंचुरी थ्री साइंटिस्ट, कार्ल कोरेंस, वॉन टीएस चेरमॉक एंड ह्यूगो डी वरीज एक्सप्लेन द मेंडेलियन थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, हो जाए तो बता देना। नेक्स्ट, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब नेक्स्ट लिखो कॉपी में, मेंडल सेलेक्शन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स सेलेक्शन। अब मेंडल के सेलेक्शन को देखते हैं कि मेंडल ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट को कौन से ऑर्गेनिज्म पे किया। मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट पी प्लांट, ठीक है, मेंडल सेलेक्ट, लिख लेना कॉपी में, मेंडल सेलेक्ट सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ये एग्जाम में आता है, नेम द प्लांट दैट सेलेक्टेड बाई मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, सो मेंडल सेलेक्ट द गार्डन पी प्लांट, बायोलॉजिकल नेम ऑफ दैट गार्डन पी प्लांट वॉज पाइसम सेटाइवम, आगे लिखना है, बायोलॉजिकल नेम ऑफ दैट पी प्लांट वॉज पाइसम सेटाइवम, ये याद रखना सबको, उसका बायोलॉजिकल नेम क्या था, पाइसम सेटाइवम वॉज द नेम ऑफ प्लांट दैट सेलेक्टेड बाई मेंडल। एक्चुअली यू नीड टू नो वॉट एवर द बायोलॉजिकल नेम, देर इज नो नीड टू नो वॉट एवर द लोकल नेम। सबको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे नेम द प्लांट दैट सेलेक्टेड बाई मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, तो सीधे लिखेंगे पाइसम सेटाइवम, ब्रैकेट में याद आएगा तब लिखेंगे गार्डन पी प्लांट। तो पहली प्रियोरिटी क्या है, पाइथन सेटाइवम को लर्न करने की, और दूसरी प्रियोरिटी क्या है, आपके गार्डन पी प्लांट के सेलेक्ट करने की, समझ में आया। लेट आई टॉक अबाउट व्हाई मेंडल सेलेक्ट पाइथन सेटाइवम ओनली नॉट अदर प्लांट, लिसन केयरफुली। अब नीचे लिखो कॉपी में रीजन ऑफ सेलेक्शन, reasons of selection,
क्या रीजन था, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। लोकली अवेलेबल, लोकली अवेलेबल, वो लोकल उनके अवेलेबल था। अब आपसे कहा जाए कि आप एप्पल पे एक्सपेरिमेंट करिए, आपको सिर्फ एप्पल पे ही एक्सपेरिमेंट करना है मेंडल वाला, तो ढूंढते रह जाओ भाई किसके यहाँ से एप्पल का प्लांट लाएंगे। सो आपके यहाँ नेटिव प्लांट नहीं एप्पल, इसलिए आप एप्पल पे, पियर पे, ठीक है, एवोकाडो पे, कीवी पे, इस सब पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। आप अपने आलू, बैगन, भुट्टा, इसी पे एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो उनके यहाँ नेटिव जो स्पीसीज थी वो क्या थी, वो थी गार्डन पी प्लांट, पाइथन पे टाइप, ठीक है। दूसरी चीजें क्या थी, शॉर्ट हाइट, शॉर्ट हाइट, उसकी हाइट बहुत छोटी होती है। मटर जिसके यहाँ बोया जाता होगा वो जानते होंगे, उसकी हाइट बहुत बड़ी नहीं होती है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कराना है। मान लो कि अगर मेंडल कोकोनट पे प्लांट पे, कोकोनट प्लांट या फिर मैंगो पे एक्सपेरिमेंट करते तो क्या होता है, लग्गा लेके उनको पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करवाना पड़ता है, ठीक है। बहुत बड़े हाइट वाले प्लांट को सेलेक्ट नहीं किया जाता है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि आर्टिफिशियली पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर भी कराना पड़ता है, तो वो शॉर्ट हाइट प्लांट वाला फेवरेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट लाइफ, मटर को साल में दो बार भी उगाया जा सकता है, मतलब एक साल में दो बार आप आसानी से उगा सकते हो, मतलब आप चाहो तो अगले जनरेशन के लिए आपको 3 महीने बाद ही रिजल्ट मिल जाएगा। कि अगर हम क्या करते हैं, हाइट बड़े हाइट वाला टाल प्लांट का क्रॉस अगर हम द्वार प्लांट पे करते हैं, अगर हम टाल प्लांट का पॉलन ग्रेन द्वार प्लांट के स्टिग्मा पे छिड़कते हैं और ये वेट करते हैं रिजल्ट क्या होगा, हमको साल दो साल नहीं वेट करना होगा, 3 या 4 महीने में हमको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर हम यही कोकोनट पे या फिर तुम्हारा मैंगो पे या ऐसे प्लांट पे जिसकी लाइफ साइकिल 50-50 साल होती है, 100-100 साल होती है, ठीक है, उस पर अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे अगली जनरेशन आ जाएगी लेकिन एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होगा। सो दिस शुड बी इन योर माइंड, द शॉर्ट लाइफ एंड शॉर्ट हाइट वॉज द ग्रेटर एडवांटेज फॉर द पी प्लांट। फोर्थ वन, प्लांट वॉज बाई सेक्सुअल, दैट वॉज द वेरी बेनिफिशियल। प्लांट में क्या हुआ कि प्लांट बाइसेक्सुअल था, मतलब एंथर एंड पॉलन ग्रेन एक ही प्लांट पे, आपको स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन एक ही प्लांट में, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही प्लांट पे अवेलेबल था। दो प्लांट्स में तो पॉलन ग्रेन उसमें भी होगा इसमें भी होगा, लेकिन एक ही प्लांट में वो क्या होता था, हम आसानी से उसका पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे छिड़क सकते हैं। मीन सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल, पढ़े होंगे तुम लोग सेल्फ पॉलिनेशन, तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन भी इजीली, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल मींस अगर हम चाहें कि कोई टाल प्लांट अगले जनरेशन में मिल गया है तो उसी का पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे छिड़क के रिजल्ट, तो ये पॉसिबल है, रिजल्ट ले लेंगे, ठीक है। सिक्स, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन पॉसिबल मीन्स आप चाहो तो ब्रश से भी पॉलन ग्रेन निकाल के स्टिग्मा पे, पी के स्टिग्मा पे छिड़क सकते हो। बहुत सारे प्लांट में अगर हम टच करते हैं पॉलिनेशन के टाइम पे पॉलन ग्रेन एंथर स्टिग्मा, तो वो सूख जाएगा लेकिन पॉलिनेशन सक्सेस नहीं होगा। बट हम ब्रश से भी पॉलन ग्रेन पी का उठा करके उसी के स्टिग्मा पे या किसी और प्लांट के स्टिग्मा पे हम छिड़क सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सेवन, कॉमर्शियली, कॉमर्शियली बेनिफिशियल, जो पी का प्लांट होता है वो इकोनॉमिक वैल्यू रखता है, उससे बहुत सारे एडवांटेज भी है। यानी हमारे पास अगर पी की ढेर सारी वैरायटी रहे तो हम ये नहीं कहेंगे तुमने बेकार का काम किया, अपना जीवन बर्बाद कर दिया। अगर हम गन्ने, अगर हम जो है घास पे अगर एक्सपेरिमेंट करें, दूब पे एक्सपेरिमेंट करें, तो पूरा घर परिवार आसपास के लोग डांटेंगे, तुमने अलग अलग वैरायटी घास की बनाई, ये किस लिए बनाया, इसका क्या काम है। लेकिन अगर हम अपने घर में मैंगो की अलग अलग वैरायटी उगा दें, गेहूं की अलग अलग वैरायटी उगा दें, धान की अलग अलग वैरायटी उगा दें, पी की, मटर की अलग अलग वैरायटी, तो कोई नहीं डांटेगा, बल्कि आपको गवर्नमेंट बुला के अवार्ड भी देगी। रीजन, आपने ऐसे प्लांट के डिफरेंट वैरायटी को प्रोड्यूस किया है जो इकोनॉमिकली उस कंट्री के लिए यानी ह्यूमन वेलफेयर के लिए काफी यूजफुल है। सो कॉमर्शियली द पी प्लांट्स आर बेनिफिशियल। एट, मैनी कॉन्ट्रास्टिंग थ्रेट्स आर अवेलेबल,
मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कैन बी फाउंड इन सेम प्लांट स्पीसीज। आपको पी प्लांट में बहुत सारे वैरायटी मिल सकते हैं, एक ही प्लांट में एक ही तरह की आप जो है लैंड पे अगर थोड़ा सा सर्वे करें तो आपको क्या मिलेगा, ढेर सारी वैरायटी मिलेगी। कुछ प्लांट जो है लंबी हाइट के होंगे, कुछ छोटी हाइट के होंगे, ठीक है। कुछ में आपको व्हाइट फ्लावर मिलेगा, कुछ में आपको वायलेट फ्लावर मिलेगा, ठीक है। सीड के हैबिटेट में आपको डिफरेंट और पैटर्न्स मिलेंगे, पॉड में भी डिफरेंट वैरायटी मिलेगी। सो आप जो है ढेर सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब होता है ट्रेट्स दैट आर फाउंड डिफरेंटली इन द सेम स्पीसीज, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेट्स आर फाउंड इन द सेम स्पीसीज। जैसे कोई खरगोश का बच्चा हो, एक ही पेरेंट से मिला हो, एक ही पेरेंट से पैदा हुए हो, चार खरगोश चारों अलग अलग कलर के हो, तो हम बोलेंगे इन कलर देयर आर सो मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है। तो पी प्लांट में मेंडल को 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मिला, पी प्लांट में मेंडल को कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मिले, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। बातें समझ में आ गई सबको, कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मिले, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स मिला, ठीक है। और ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कौन कौन से थे ये हम कल बताएंगे, ठीक है। फिलहाल ध्यान से सब लोग।